नमस्कार दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग और 54th मीटिंग में काफी सारे चेंजेस किए गए। टैक्स रेट्स को लेकर बदलाव किया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग कहा गया कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के लिए अगर 30 नवंबर 2021 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, क्लेम कर लिया है, तो ऐसे में यह डीम्ड टू बी अवेल्ड माना जाएगा। और जो है ऑफिसर, जहां पर उन्होंने जो है लेट आईटीसी अवेल करने के लिए जो आपका आईटीसी रिजेक्ट कर दिया था, वो जो है अब आपके जो ऑर्डर्स है उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो कमर्शियल रेंट है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है कवर किया गया था। ये सारी बातें रिकमेंड की गई थी 53rd मीटिंग में, 54th मीटिंग में, लेकिन अभी तक इनके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं की गई थी। तो ऐसे में बार बार मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे कि जो कमर्शियल रेंट है उस पर 1 अक्टूबर से जो है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग ऑर्डर पास किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के रिगार्डिंग, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, ये सभी बातें जो है अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए जो है इशू कर दी गई है। सभी बातें क्लैरिफाई कर दी गई है किस तरह से जो है, किस डेट से जो कमर्शियल रेंट पर जो रिवर्स चार्ज है वो एप्लीकेबल होगा, टैक्स रेट्स को जो लेकर चेंज किए गए थे वो कब से एप्लीकेबल होंगे, और इसके साथ ही जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स कैसे, किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसीजर से जो है वो बाय द जीएसटी ऑफिसर जो है इशू किए जाएंगे, ये सभी बातें जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए अब बता दी गई है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू की गई है, कल ही नोटिफिकेशन इशू की गई है, काफी सारी नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसमें से जो भी रेलिवेंट नोटिफिकेशन है जो हमारे लिए काम की है, जिसमें जो है हमारा जो कमर्शियल रेंट के रिगार्डिंग बात की गई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग बात की गई है, टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग बात की गई है, वो सभी नोटिफिकेशन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको बहुत सारे टैक्स अपडेट्स डेली बेसिस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज अगर आप सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो यहां पर आपको जो है कोर्सेज सेक्शन में कोर्सेज जो है काफी सारे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा टैक्स अपडेट्स में आपको जो भी टैक्स अपडेट्स है, जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी ऑर्डर्स है, सर्कुलर्स है, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए आप डेली टैक्स अपडेट से जुड़े रह सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जितनी भी नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन इशू की गई, सबसे पहली नोटिफिकेशन यहाँ पर है नोटिफिकेशन नंबर 5/2024, जहां पर बेसिकली जो टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग चेंजेस किए गए हैं, सर्टेन जो गुड्स है, सर्विसेज है, उनको जो है 5% में, 12% में इंसर्ट किया गया है, कुछ की टैक्स रेट्स को चेंज किया गया है। तो ये जो है आप रेलिवेंट जो भी आपके केस में किसी तरह की कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर यहाँ पर फॉल करती है, तो यहाँ पर जो है आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर है 5/24, ये एप्लीकेबल होगी 10th October 2024 से, 10 अक्टूबर 2024 से। ये जितने भी गुड्स या सर्विसेज यहाँ पर नोटिफाई की गई है, इनके रिगार्डिंग जो भी टैक्स रेट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और आपके केस में अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज इस नोटिफिकेशन में फॉल करती है, तो अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस है वो 10 अक्टूबर 2024 से जो है वो आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन इशू की गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये जो नोटिफिकेशन है इशू की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है 6/2024, ये जो है इशू की गई है, अगेन यहाँ पर जो है जो आपकी नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 है, इसके अंदर बेसिकली जो मेटल स्क्रैप है, उस मेटल स्क्रैप के रिगार्डिंग जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है अब एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप परचेज कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, अब यहां पर उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो है जीएसटी पे करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 7/2024, जहां पर बेसिकली अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी जा रही है बाय एयर, तो ऐसे में जो टैक्स रेट्स अब एप्लीकेबल होगा, दैट इज 2.5% CGST, 2.5% SGST।
हालांकि यहां पर कंडीशन लगाई गई है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप 5% टैक्स स्लैब्स में जाते हैं तो। उसके बाद जो नोटिफिकेशन नंबर इशू की गई 8/24, तो 8/24 के अंदर भी काफी सारी जो क्लैरिफिकेशन है जो दी गई थी जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जिसमें बेसिकली आपका जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो गुड्स यूज की जाती है, जिसके अंदर बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्मर है, कैपेसिटर्स है, जो मीटर्स है, टेस्टिंग मीटर्स है, तो बात आती थी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं है तो क्या इन गुड्स पर जो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दी जा रही है तो क्या उस पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया कि यहाँ पर जो है निम्न रेट ऑफ टैक्स रहेगा, अगर आपकी मेन सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो आपकी जो एंसिलरी सप्लाई है उस मेन सप्लाई को प्रोवाइड करने में जो आप सप्लाई देते हैं वो भी क्या रहेंगी, एग्जम्प्टेड रहेंगी। तो इस तरह की जो काफी सारी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी गई थी उसके रिगार्डिंग जो है ये टैक्स जो आपकी नोटिफिकेशन है ये इशू कर दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दैट इज 9/24, जहां पर आपका जो कमर्शियल रेंट है उस कमर्शियल रेंट को भी जो है अब आरसीएम के दायरे में लाया गया है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रीमाइज यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए जो व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और आप अगर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो ऐसे में अब क्या होगा, अब आप उस रेंट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करेंगे। तो यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 10/17 को चेंज किया गया है और इसके अंदर एक और यहां पर एंट्री इंसर्ट की गई है, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। तो रेजिडेंशियल यूनिट को छोड़कर बाकी जो आपकी चाहे वो कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, अगर आप किसी भी तरह से उसको रेंट पर ले रहे हैं और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होगा। हालांकि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है सर्टेन कंडीशंस में, जहां पर आप रेजिडेंशियल यूनिट को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो ऐसे में वो भी ऑलरेडी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल यूनिट अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पर दी गई है तो ही वो जीएसटी के दायरे से एग्जम्प्टेड है, अदरवाइज जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाती है। तो ये जो है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन ये जो चेंज है 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होगा। इट मींस अब तक जो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे 1 अक्टूबर 2024 से जो है जो रेंट है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो गया है, तो वो बेसिकली इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है एप्लीकेबल हुआ है और 10 अक्टूबर 2024 से ये जो रेंट है जो भी आपका वो कमर्शियल रेंट है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो है आपने प्रीमाइज ली है उसके रिगार्डिंग अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत क्या करना होगा, अब टैक्स पे करना होगा। तो ये था बेसिकली टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग। अब जो हम सबसे बड़ी बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर जो बात कही गई थी कि अगर आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के रिगार्डिंग 30 नवंबर 2021 तक अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा, तो इसके रिगार्डिंग यहां पर जो है नोटिफिकेशन इशू की गई है कि जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं बाय द जीएसटी ऑफिसर अब वो क्या किए जाएंगे, उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 के रिगार्डिंग जो डेट बताई गई 30 नवंबर 2021 तक अगर आपने इन सभी ईयर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो अवेल कर लिया तो ऐसे में जीएसटी ऑफिसर अब उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको जो है ऑर्डर पास नहीं कर सकता। हालांकि जो ऑर्डर पास कर दिए गए हैं उनको क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। तो ये सभी बातें यहां पर बताई गई है। इसके रिगार्डिंग कहा गया है कि जो भी ऑर्डर 73-74 में पास किए गए हैं उसके लिए जो है यहां पर ऑर्डर पास किया जाएगा बाय द ऑफिसर DRC 08, और जो भी यहां पर सेक्शन 107 और 108 के तहत ऑर्डर पास किए गए हैं उसके लिए GST APL 04 ऑर्डर पास किया जाएगा बाय द जीएसटी ऑफिसर। इसके लिए करना क्या होगा, जो भी टैक्स पेयर है उसको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स, जो भी उसका जीएसटी नंबर है, लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, जो ऑर्डर पास किया गया है उसका रेफरेंस नंबर, ऑर्डर डेट, ये सभी डिटेल्स यहां पर जो है फिल करनी होगी। इसके अलावा 17-18 के रिगार्डिंग कितना ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपने 30 नवंबर 2021 तक अवेल किया है वो सभी डिटेल्स यहां पर आपको देनी होगी जिसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास किया गया है। तो वो जो है इस डिटेल के बाद जो है यहां पर
जो जीएसटी ऑफिसर है बेसिकली वो उसको फिर से जो है वेरीफाई करेगा, और अगर 30 नवंबर 2021 तक आपने उसको अवेल कर लिया है तो ऐसे में उसके रिगार्डिंग जो है वो ऑर्डर जो है रिवाइज कर दिया जाएगा, रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो ये सभी बातें जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में बताई गई है, और यहाँ पर प्रोसीजर भी बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर को क्या करना है। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मिलने के बाद जीएसटी ऑफिसर उसको चेक करेगा, और जो ऑफिसर जिन्होंने पहले ऑर्डर पास किया था उन्हीं के पास ये जो आपकी एप्लीकेशन मूव की जाएगी, और वहां पर फिर से वेरिफिकेशन की जाएगी। 30 नवंबर 2021 तक जो आईटीसी आपने अवेल कर लिया है उसके रिगार्डिंग आपकी जो डिमांड है, टैक्स लाइबिलिटी है, उसको जो है रिड्यूस कर दिया जाएगा, और फिर से एक रेक्टिफाइड ऑर्डर जो है पास किया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है काफी सारे चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के अंदर रिसेंटली। ये सभी नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आई होप मेरी यह जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैक्सेशन फील्ड्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जो जॉब है उसको इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप इन कोर्सेज को जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, आप इनके जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी है वो पता लग जाती है, और जो कंटेंट है वो पता लग जाता है, जहाँ पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और साथ ही ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जब भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी जो है आपके साथ काफ़ी सारा कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप जो है इन कोर्सेज को यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपके साथ टैक्स न्यूज़ को शेयर किया जाता है, डेली न्यू फाइल जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोई कोरेस्पोंडेंस करना है, किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई आपको देना है, तो बहुत सारे ड्राफ्ट्स रिगार्डिंग टैक्स नोटिसेस, जीएसटी नोटिसेस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।